राधे राधे फ्रेंड्स। तो उस दिन के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाया है, और मुझे हम कल परसों आए थे ना, कितने 8:30 बजे तक आ गए थे ना, हम 8:30 बजे तक घर आ गए थे। और गंगा जी जाने के लिए मेरा और मम्मी का तो बहुत मन था, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया। तो आज है पूर्णमासी, तो आज हम जा रहे हैं। और कौन कौन जा रहा है तो अभी मैं आपको मिलाऊंगी सभी से। तो आपको किस्तों में सबसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि पापा और भाई अपना ड्यूटी पे जाते हैं, तो उनसे बाद में मिलाऊंगी। और जो भी फैमिली मेम्बर हैं उनसे अभी आपको मिलाने वाली हूँ, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो सबसे पहले किससे मिलाऊँ, मिलना है राधे राधे कर, राधे कृष्णा कर दो, नहीं राधे कृष्णा कर दो, राधे कृष्णा करते हो ना आप, बैटमैन नर्स है ना, कर दो। हेलो हेलो मेरी भाभी, हेलो मैं भाभी नहीं बोलती तो ये है मेरी भाभी और सबसे छोटी है ये, मैं सबसे बड़ी हूँ। सबसे छोटी कहे क्या यानी कि सबसे छोटा है भाई, हम 4 भाई बहन हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ और ये सबसे छोटी है। छोटी यानी कि हम बहन, हम सब लगता ही नहीं है कि ननद भाभी है क्या है, सब एक जैसे रखते हैं। और ये हमारी छोटी सी परी है और ये बोल नहीं रही है, गुस्सा हो गई है। वाह, अब बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो राधे कृष्ण, गंदी बात है ना, राधे कृष्ण कर दो, ऐसे सब कहेंगे बड़ी गंदी लड़की है ये, तो कर दो, बोल दो। कहने से नहीं बोलेगी, जब इसका मन होगा ना तो मैं बातें कराऊंगी, बहुत बातें करती है ये। हाँ तो चलिए हम भी चल रहे हैं और आप भी चलिए। तो अब डायरेक्ट चलिए, अगर रास्ते में कुछ अच्छा व्यू हुआ तो जरूर दिखाऊंगी। स्लिप हो जाती है जी, रेनु हंस रही है। मम्मी चलो जग गया, अनु नाइट ड्यूटी थी, सो रहा है अभी। चलो कोई नहीं, आके मिलाऊंगी सभी से, पापा से भी मिलाऊंगी और भाई से भी। और मैंने खूब आराम किया है, या तो कोई काम ही नहीं, कोई करने ही नहीं देता। तो चलिए अभी निकलते हैं। फिर उसका अनमो का टाइम हो जाएगा। राधे कृष्ण, क्या नाम है, क्या नाम है इसका? सृष्टि। पार्सल नहीं दिया उसका। अच्छा, डिंपल पार्सल है, डिंपल कहीं चली गई है भैया, मैं नहीं वो। चल शायद रास्ते में होगी तो मैं नहीं खा पा रही हूँ। मामा जी कल को जाम है, हम तो माँ जी तो नहाने जा रही, तो क्या कैंसिल हो जाए, अभी आए गंगा नहाने जा रही माँ जी। मम्मी जहाँ रहती हैं वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है हर की पौड़ी, तो हम अकेले ही जा रहे हैं चारों पांचों। कितने सुंदर है ना मम्मी, काय के हैं ये, नाम नहीं पता इनका, ये तो कनेर के है ना, ये तो कनेर है। यहाँ पर ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, परी को फूल मिल गए, कितने सारे लग रहे हैं। चलो चलो मामी तोड़ रही है के लिए, लो लो अब नाम दिया तो दे दो तो पड़ी के हैं। वहाँ पर मौसम सही है आज, हाँ आज धूप नहीं है जी, वो है ना हेबिकस। क्यों तोड़ रहे हो मम्मी, हम ये हेबिकस बुआ रहा है गंगा जी के लिए, हाँ तो तोड़ लो, गंगा जी में चढ़ा देंगे। मम्मी बत्ती नहीं ली, मम्मी बत्ती नहीं ली, एक लिया लिया सब। अच्छा ठीक है ठीक है। आला कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, गंगा जी क्यों जा रहे हो,
और ये देखिए यहाँ चारों तरफ पहाड़ पहाड़, पूरे में पहाड़ी पहाड़ हैं। बहुत सुंदर व्यू लगता है चारों तरफ का। कैसे सो रही है जी? भी सो रही है तो गई। रात को हम लोग आए थे तो जो हरिद्वार रेलवे स्टेशन था बस वहीं हमें उतरना है और फिर वहां से हमें पैदल चलना है और वहां से मैं आपको फुल पूरा मार्केट दिखाने वाली हूं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और बहुत अच्छे से दर्शन होने वाले हैं आपको हरिद्वार हर की पौड़ी के। तो यहाँ देखिए परी सो भी चुकी है तो हम इसे जगा रहे थे कि चलो उतरना है और बस अब हम पहुँचने वाले हैं रेलवे स्टेशन और वहाँ से तो बस पैदल ही चलना है। तो ये लोग यहीं उतार देते हैं और देखिए हम आ चुके हैं ये रेलवे स्टेशन, हरिद्वार रेलवे स्टेशन जो मैंने आपको दिखाया था ना इससे पहली वीडियो में जब हम उतरे थे तो यहीं से भाई हमें ले गया था, गाड़ी यहीं खड़ी हुई थी भाई की तो हम यहीं आ गए थे तो यहीं से भाई ले गया था हमें। तो देखिए अब यहाँ से पूरा मार्केट दिखाते हुए हम जाएंगे आपको, तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। कभी छांव हो रही है पर हवा तो चल रही है। कितना रश है, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा सुनो है ना आज। आके देखेंगे पहले नहा धो के अपना गंगा जी में तब देखेंगे कुछ। पर आज मौसम सही है, देख ले। वाह कितनी सुंदर है। बहुत सुंदर है। हमारी तो परी रूट गई। क्या चाहिए परी, क्या चाहिए पता नहीं। आपका तो घर रखा है ना, घर रखा तो आपका। हमें परी रूट गई परी। पहले नहाएंगे बेटा गंगा मैया में, नहाएंगे ना पहले। अभी यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है कि यहाँ जो भी रेस्टोरेंट हैं, जो भी होटल हैं और जो भी धर्मशाला हैं सब भी फुल हैं, यानी कि खाने के लिए भी हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ देखिए मैं आगे दिखाऊंगी आपको, धर्मशालाएं हैं, होटल हैं और जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं सारे आगे मैं दिखाऊंगी, आप वीडियो में बने रहिए। अगर आपको आना है यहाँ तो बहुत अच्छी सुविधा है तो आप आ सकते हैं, हर चीज़ की यहाँ सुविधा मिलेगी आपको। तो बस यहाँ मैंने सारा सोचा आपको सारा कुछ दिखा देती हूँ क्योंकि यहाँ से हमें पैदल ही जाना होता है, जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से हम आए हैं और मैंने आपको सारा ही कुछ दिखाया है। तो देखिए अभी ये जो बरगद का पेड़ है यहाँ तक हम आ चुके हैं और अभी और चलते हैं अंदर। और जैसे जैसे हम गंगा मैया के पास पहुँचते जा रहे थे एकदम ठंडक ठंडक आती जा रही थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी वहाँ से, तो बच्चे भी कह रहे थे। और देखिए ये आ चुकी है अमरनाथ जी शंभू, ये धर्मशाला है तो ये भी देखिए फुल चल रहा है अभी इस टाइम सब कुछ। और ये अमृतसरी वैष्णो होटल, तो यहाँ भी आप आ सकते हैं और देखिए यहाँ भी फुल भीड़ है। लेकिन हम तो घर से निकले थे, हम निकले थे शायद 1:30 बजे और भाई को जाना था नाइट ड्यूटी तो वो आराम कर रहा था, तो हमने बोला तू परेशान ना हो हम चले जाएंगे, क्योंकि जहाँ मम्मी रहती हैं वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है तो हम लोग टेम्पो से आ गए थे सब।
तो यहाँ देखिए, ये अभी दिखाती हूँ मैं मनसा देवी के लिए, जहाँ हम रोप वे ले सकते हैं, यानी कि जो ट्रॉली होती है ना उनसे हम ऊपर जा सकते हैं, चढ़ना नहीं है आपको। तो जो अभी आगे आने वाला है वो रास्ता है, वहाँ से आप टिकट वगैरह बुक करा सकते हैं। और जो लोग पैदल जाना चाहते हैं वो आगे है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ से तो ट्रॉली वाला जो सिस्टम है वो है, और आगे है जो वो आप पैदल जा सकते हैं मनसा देवी। तो मैं कर चुकी हूँ मनसा देवी पहले भी, लेकिन मेरी इस बार भी इच्छा है कि मैं जाऊँ, लेकिन मुझे डॉक्टर ने पैदल चलने के लिए मना किया है। और मैं गंगा जी से आई थी ना, तो मेरी वाकई बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मेरा वीडियो ये लेट भी हो चुका है। ये मेरा पूनो वाले दिन का वीडियो है, तो मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। तो मैं पूछ रही थी मम्मी से और रेनू से, तो मम्मी और रेनू मुझे बता रही थी यहाँ हमारी परी थोड़ा बिचड़ रही थी। तो बस अभी आगे हम दिखाते हैं आपको। और चलो, मैं चल रही हूँ परी। और अभी आने वाला है जो मनसा देवी का पैदल मार्ग है, यानी वहाँ से हम पैदल भी जा सकते हैं। तो वो रास्ता अभी मैं दिखाने वाली हूँ आपको। देखिए ये मनसा देवी पैदल मार्ग, यहाँ से हम पैदल चढ़ाई करते हैं, और यहाँ आपको नीचे भी प्रसाद मिल जाएगा और ऊपर जाकर भी प्रसाद मिल जाता है। तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, जो आपके पास सामान है वो यहाँ दुकानें हैं वहाँ आप रख सकते हैं। तो बस अब हम यहाँ से भी निकल चुके हैं, और अब आने वाला है गंगा जी। अभी थोड़ी दूर है, अभी और मार्केट देखिए आप, वहाँ से टिकट होती होगी ना। अच्छा हाँ, तो वो है रोप वे से जाते हैं और ये पैदल वाला है। अच्छा, किसी दिन आएंगे अनु के साथ, है ना, तब चलेंगे मनसा देवी। अब पहले गंगा मैया कर ले, छुट्टी होगी ना जिस दिन, तब चलेंगे। और क्या, एक तो वो नाइट और डे के चक्कर में सारा रूटीन खराब हो जाता है, पर बहुत ज़्यादा भीड़ है ना। शिव, क्या हो गया, क्या हो गया है, क्या हो गया, बोल नहीं रहा है, है? वो या और जे तो देवी मैया गुस्सा ही हो गई है ना। किसके लिए परी फूल? ये खुले देना 200 रुपए। इससे आगे का वीडियो आप लोगों को आने वाले वीडियो में मिलेगा, तो आने वाले वीडियो को आप लोग वेट कीजिएगा। तो इस वीडियो का मैं बस यही एंड करने वाली हूँ, तो आप एंड तक बनी रहिए और आने वाले वीडियो का वेट जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा। गंगा मैया, मैं
घुस के तो ठंडा ठंडा हो जाएगा। एक चप्पल इधर उतार देना, एक उतार देना उधर। क्यों वहाँ नहीं रखी जा रही, वहाँ रख दोगे? वहाँ रखी नहीं जा रही है। क्यों पड़ेगा पीछे? फिर हो गया, मंदिर बन गया। अरे पहले यहाँ रखी जाती थी।